जाति आधारित आरक्षण की राजनीति से बट जाएगा देश, शहर आए लेखक शिवखेड़ा ने नई दुनिया से बयां किया अपना दर्द। जब पूरे देश की निगाहें इंदौर सहित पूरे प्रदेश के चुनावों के नतीजों पर टिकी है, ऐसे में मोटिवेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलर यू कैन विन के लेखक शिवखेड़ा ने बड़ी बात कही है। नई दुनिया से खास बातचीत में उनका कहना है कि आर्थिक की जगह जाति आधारित आरक्षण की राजनीति से अगले 10 साल में देश के भीतर ही एक अलग तरह का पार्टीशन हो जाएगा। खेड़ा सत्य साई स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने शहर आए हैं। वे कहते हैं, आज देश में ऐसे नेता नहीं हैं जिसके लिए देश हित खुद के हितों से ऊपर हो। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से शिक्षा से लेकर हर क्षेत्र में स्थिति खराब है। योग्य लोगों को वंचित कर कम योग्य लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे में बेहतर कार्यकाल की कमी के साथ ही युवाओं का एक बड़ा वर्ग डिप्रेशन की चपेट में आ रहा है। आर्थिक विषमता लगातार बढ़ती जा रही है। सिर्फ नारे लगाने से किसी का भला नहीं होने वाला है। नोटों को लेकर PIL फाइल करने वाले खेड़ा कहते हैं कि लोगों को नेताओं का रिकॉल के साथ रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। दूसरों को दोष देने की जगह खुद जिम्मेदारी लें। हम आपको ऐसे ही खबरों से रूबरू करवाते रहेंगे। इसके लिए आप बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।